हेलो दोस्तों, आज हम सब वर्णमाला पढ़ेंगे। अगर आप सब यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यूपी बीएड से संबंधित टॉपिक हम हमेशा लाते रहते हैं। अगर आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम सब वर्णमाला पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। आप लोग कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा, आपका कितना सही हुआ। इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे हम कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ऑप्शन नंबर ए शब्द, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी स्वर, ऑप्शन नंबर डी वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ड। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं ऑप्शन नंबर ए शब्द समूह को, ऑप्शन नंबर बी वर्डों के संकलन को, ऑप्शन नंबर सी शब्द गणना को, ऑप्शन नंबर डी वर्डों के व्यवस्थित समूह को। आप लोग आंसर देने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्डों के व्यवस्थित समूह को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए का खा, ऑप्शन नंबर बी या रा, ऑप्शन नंबर सी च ज, ऑप्शन नंबर डी टा डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का खा। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गा घा, ऑप्शन नंबर बी जा झा, ऑप्शन नंबर सी डा ढा, ऑप्शन नंबर डी पा फा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डा ढा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ड कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए आ आ, ऑप्शन नंबर बी का गा, ऑप्शन नंबर सी था धा, ऑप्शन नंबर डी फा और भा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का गा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मूर्धन्य सा, ऑप्शन नंबर बी न्या, ऑप्शन नंबर सी गा, ऑप्शन नंबर डी जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्या। अगला क्वेश्चन है, ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए नासिक, ऑप्शन नंबर बी मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी कंठ तालब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंठ तालब। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ड कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए आ आ, ऑप्शन नंबर बी ई ई, ऑप्शन नंबर सी ऊ ऊ, ऑप्शन नंबर डी अंग आह। आप लोग आंसर देने का प्रयास जरूर करिएगा और आंसर का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कितना आप लोगों का आंसर सही हुआ।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग आ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी उत्साह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकंपी, ऑप्शन नंबर बी स्पर्शी, ऑप्शन नंबर सी संघर्षी, ऑप्शन नंबर डी स्पर्श संघर्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघर्षी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर ए खा गा, ऑप्शन नंबर बी ऊ ऊ, ऑप्शन नंबर सी आई औ, ऑप्शन नंबर डी स सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खा गा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए खा, ऑप्शन नंबर बी च, ऑप्शन नंबर सी मा, ऑप्शन नंबर डी डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माँ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ड है। ऑप्शन नंबर ए खा, ऑप्शन नंबर बी धा, ऑप्शन नंबर सी भा, ऑप्शन नंबर डी भा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भा। अगला क्वेश्चन है, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत की, ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी की, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी की, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरबी फारसी की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 51, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 53। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए मूल स्वर, ऑप्शन नंबर बी घोष वर्ण, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन नंबर डी तालब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर बी छ, ऑप्शन नंबर सी त्र, ऑप्शन नंबर डी क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है। ऑप्शन नंबर ए जा इया, ऑप्शन नंबर बी
जिया इया ऑप्शन नंबर सी जा धा ऑप्शन नंबर डी जा न्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जा न्या। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ड कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी जा, ऑप्शन नंबर सी हा, ऑप्शन नंबर डी सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सा। अगला क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए मूर्धा, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी तालु, ऑप्शन नंबर डी दंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंठ। अगला क्वेश्चन है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ढा, ऑप्शन नंबर बी ज्ञा, ऑप्शन नंबर सी अंगा, ऑप्शन नंबर डी डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से अत्यंत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ता, ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर सी दा, ऑप्शन नंबर डी टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टा। अगला क्वेश्चन है जिनके अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए अनुस्वार, ऑप्शन नंबर बी अयोगवा, ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ, ऑप्शन नंबर डी अकारांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकारांत। अगला क्वेश्चन है छ वर्ड किसके योग से बना है, ऑप्शन नंबर ए का सा, ऑप्शन नंबर बी का चा, ऑप्शन नंबर सी का छा, ऑप्शन नंबर डी का सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का सा। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी उ, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ञ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं, ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर बी डा, ऑप्शन नंबर सी डा, ऑप्शन नंबर डी घा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घा। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 33, ऑप्शन नंबर डी 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33। आज के लिए इतना ही। अगर आप सब यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यूपी बीएड संबंधित हिंदी की रीजनिंग की तैयारी संबंधित वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे।